अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी डिजिटल। आज हम सब्जेक्ट एनाटॉमी से टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को जो है आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपके होम्योपैथिक सिलेबस में एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद सवाल ये आता है कि आप पूछेंगे व्हाट आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स की एक टाइप है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन जो है ये ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं और जो भी इनका फंक्शन है वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे हैं, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो डक्ट नहीं मौजूद होती है, बल्कि ये अपनी जो सिक्रेशंस हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है ये डायरेक्ट अपनी सिक्रेशंस ब्लड के अंदर सिक्रीट आउट करते हैं। तो ये हो गया आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स का नाम आपने बहुत सुना हुआ होगा। हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में मैसेंजर्स के लिए मुख्तलिफ सिस्टम काम कर रहे हैं जो नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो मैसेंजर्स काम कर रहे होते हैं वो न्यूरॉन्स के ज़रिए काम हो रहा होता है। वहाँ पर जो मैसेज लेकर और जो ऑर्गन्स तक जा रहे होते हैं मैसेज, और ऑर्गन से जो मैसेज लेकर वापस ब्रेन तक आ रहे होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। तो वो भी मैसेजिंग का काम कर रहे होते हैं। वो जो है वो नर्वस सिस्टम के मैसेंजर्स होते हैं। इसके अलावा दूसरे जो मैसेंजर्स बॉडी में काम कर रहे होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल सिक्रीशंस होती हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है। तो ये दोनों सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको। और ये तो इनमें जो चीफ आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है ऑब्वियसली, और इसके बाद जो इसके अंडर काम कर रहा होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो शामिल होते हैं। तो इसमें नंबर वन आप देखते हैं जो ग्लैंड्स हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। ये तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बॉडी में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो अंडर दी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस काम कर रहे होते हैं, राइट। तो हाइपोथैलेमस आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो आपको मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है और बाकी सब ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एंडोक्राइन नहीं होता है, इसलिए हम उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर नहीं स्टडी करते, क्योंकि उनका मेजर फंक्शन या जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो दूसरा होता है। इसलिए हम उनको जो है क्या कहते हैं कि सेकेंडरी ऑर्गन्स जो कि हार्मोन्स बना रहे होते हैं। उनमें जो ऑर्गन्स आ जाते हैं उसमें किडनी आ जाता है, आपका किडनी भी कुछ हार्मोन्स बना रहा होता है, इसमें रेनिन और जो है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बना रहा होता है किडनी। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बोन्स पर जाकर एक्ट करता है और वहाँ से RBCs की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कुछ और भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स, जैसे तो थायमस ग्लैंड है वो थायमोसिन बनाता है, इसी तरह से टेस्टिस और ओवरीज जो हैं ये भी सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। और इसके अलावा प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लासेंटा भी जो है हार्मोन्स बना रहा होता है, HCG हार्मोन कहते हैं। तो ये तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं इनकी लिस्ट अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये तमाम ग्लैंड्स जो हैं ये जो है वो सेकेंडरी ऑर्गन्स के तौर पर काम कर रहे हैं, एज अ एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है इनका। यानी प्राइमरी फंक्शन किडनी क्या करते हैं कि वो किडनीज जो है यूरिन बनाने का काम करते हैं, लेकिन सेकेंडरी काम उनका हार्मोन्स बनाना भी होता है, इसलिए हम उनको सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं एज अ एंडोक्राइन
एक्ट कर रहे थे। इसके अलावा आपके GIT ट्रैक में भी आप देखते हैं कि आपके स्टमक से और ड्यूरिनम से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिन्हें आप गैस्ट्रिन सिक्रीटिन और CC के हार्मोन्स कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये सेकेंडरी फंक्शन है GIT ट्रैक का। प्राइमरी फंक्शन उसका डाइजेशन है, उसकी अपनी सिक्रीशंस हैं, एंजाइम्स हैं जो वहाँ से सिक्रीट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन के तौर पर वहाँ से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे होते हैं, जिन्हें हम CCK और सिक्रेटिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो और आपके लोग सेकेंडरी फंक्शंस में हार्मोन्स आ जाते हैं, वो जो है वो हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो हार्मोन्स जो है वो कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, एक तो हमने देख लिया कि जो प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से ही जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो तमाम ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारी बॉडी में ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो कि मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हैं, बल्कि सेकेंडरी तौर पर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो भी, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल हार्मोन्स कहलाते हैं आपकी बॉडी में, कुछ लोकल हार्मोन्स हम किसे कहते हैं कि जो किसी सेल्स या टिश्यूज़ में बन रहे होते हैं और अपने आसपास के जो सेल्स और टिश्यूज़ है वहीं पर एक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। उन लोकल हार्मोन्स में जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, सेरोटोनिन हो गया और हिस्टामाइन, ये तमाम जो हार्मोन्स हैं लोकल हार्मोन्स कहलाते हैं। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका फंक्शन क्या होता है, अपनी इर्द गिर्द के जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं वो मेनली कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी कुछ ऑर्गन्स हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनको हम किडनी, टेस्टिस और प्लासेंटा के हमने इसमें एग्जांपल्स देखी। इसके अलावा कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं, जो लोकल हार्मोन्स वो होते हैं हार्मोन्स जो मुख्तलिफ बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में बन रहे होते हैं और वहीं के आसपास के जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं सिर्फ वहीं पर काम कर रहे होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। तो ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसमें आपने जो है वो अब हम इसको देखेंगे, इसके वन बाय वन डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं डिटेल में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं, उनका एक्शन कहाँ होता है और किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं अपना काम। स्टूडेंट्स, ये था पार्ट वन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम वन बाय वन सारे ग्लैंड्स की डिटेल देखेंगे।